नमस्कार। जहाँ दही बड़ा ही पौष्टिक आहार है और इसमें ये गुणों से भरपूर है, वहीं अगर इसके खाने के नियमों का ध्यान ना रखा जाए तो ये अनेक रोगों का कारण भी बन सकती है। तो दही का बड़ी सावधानी से उपयोग करें। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD, मैं आपको बताऊंगा कि दही कब खाएं, कब ना खाएं, कैसी खाएं, किस तरह से खाएं, क्या तरीका हो दही खाने का, फिर कितनी खाएं और क्यों खाएं दही, मैं आपको सारा बताऊंगा। देखिए, दही अगर ढंग से ना खाएंगे तो हमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, मैं ये भी आपको बताऊंगा, हर अंग के रोग। फिर किस चीज के साथ ना खाएं दही, किस चीज़ के साथ दही खाएं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। क्योंकि मैंने जो अभी तक MBBS MD में पढ़ाई की है, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं हर सिस्टम के बारे में और एक एक अंग को भी अंदर से डिसेक्शन करके देखा है, लेकिन उसमें कहीं भी कोई नियम नहीं बताए गए। केवल उसमें फायदा बताया है कि दही में कैसी नाम की प्रोटीन है, दही में शुगर भी है, दही में फैट भी है, दही में मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है दही में, और दही में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन्स भी हैं, लेकिन उन दही का फायदा कैसे मिले हमें, हमें दही खाने से नुकसान ना हो, ऐसे नियम मैंने आयुर्वेद में पढ़े, क्योंकि मेरा आयुर्वेद में पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। तो उसमें बताया कि मानसून के सीजन में दही के सेवन से हमें थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, कम उपयोग करना चाहिए। गर्मियों में हम दही खाएं बड़ा अच्छा रहेगा, ये दही गर्मियों में खाएंगे तो बड़ी लाभदायक है, सर्दियों में भी ले सकते हैं दही, लेकिन मानसून सीजन में जैसे सावन में, भादों में, और अभी भी जैसे आज भी बारिश चल रही है अभी बाहर, तो ऐसे देखिए कितना अच्छा बारिश का मौसम है, ऐसे मौसम में दही के खाने से थोड़ा सा हमें सचेत रहना चाहिए और फिर अपनी प्रकृति को पहचानते हुए, वात पित्त कफ प्रकृति को पहचानते हुए दही का उपयोग करें। जैसे हमारा शरीर पंच भूतों से मिलकर बना है तो इसमें कफ को बढ़ाने की प्रकृति ज्यादा होती है दही को, तो एक तो सांस की दिक्कत बढ़ सकती है, हमें गला खराब हो सकता है, आजकल गले खराब के पेशेंट्स काफी आ रहे हैं, खांसी जुकाम गले खराब के, अगर दही लेंगे तो दही से चीज और बढ़ जाएगी, कफ कोल्ड टोंसिस और दमे की शिकायत, जिसको नेबुलाइजर जो लोग ले रहे हैं, जो इनहेलर ले रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है अगर दही का उपयोग ऐसे मानसून सीजन में यूज करेंगे। फिर पाचन भी खराब होता है, जो हमारा लीवर है और जो स्टमक है, इनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस मंद पड़ जाती है, दही चैनल्स को ब्लॉक करती है, स्रोतों को, जो हमारा पैनक्रियाज है उसको रोक देती है, जिससे कि गैस एसिडिटी बनती है और बड़ी आंतों में भी गैस इकट्ठी हो जाती है, IBS की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है दही के उपयोग करने से, अपच हो सकती है। फिर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे मल रुक जाता है, अगर मानसून सीजन में हम दही उपयोग करेंगे तो मल इकट्ठा हो जाता है और मोटापा भी उसे बढ़ता है। फिर थायराइड की दिक्कत, जैसे थायराइड है इसके साइज भी बढ़ जाएगा, फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जोड़ों में दर्द, जो घुटनों का दर्द है ये बढ़ जाएगा, कमर का दर्द दही के उपयोग से बढ़ जाएगा अगर ज्यादा हम यूज करेंगे इस मौसम में। फिर सर्वाइकल पेन, यहाँ पे पुट्ठों में यहाँ पे दर्द होने लग गया और फिर जो इसमें जो शोल्डर जॉइंट है पूरा मुंह नहीं करता। फिर अगर नमक के साथ दही उपयोग करते हैं, इस तरह की ये स्किन डिसीज के चांस, जो सफेद दाग है उसको बढ़ा, अगर हम दूध के साथ दही का उपयोग करते हैं तो जैसे दूध है तो दूध के साथ दही का उपयोग ना करें, ये भी ध्यान रखें। इसी तरह से जो डायबिटिक है, डायबिटिक लोग है, फिर वो चीनी के साथ दही में चीनी डाल के ना ले, और वैसे भी दही में दूध से ज्यादा मिठास होती है, तो एक लिमिटेड मात्रा यूज करें। ज्यादा तीखे मसाले जैसे लौंग है इनके साथ, क्योंकि दही पित्तवर्धक भी होती है, तो इसके तीखे मसालों के साथ उपयोग ना करें। फिर नींबू के साथ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी खटास है नींबू में, तो ये भी इसका भी ध्यान रखना होगा। और कुछ फलों के साथ भी, जैसे तरबूज के साथ दही का उपयोग ना ही करें तो अच्छा रहेगा। एक एक चीज का हम ध्यान रखें जिससे कि हमें केवल लाभ मिले और नुकसान ना हो। फिर कितनी खाएं दही, जितनी हमारा शारीरिक समय, अगर हमारी फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी बड़ी अच्छी है तभी दही की सही मात्रा का उपयोग करें, नहीं तो थोड़ा सा कम ही उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक एक अंग के ऊपर असर पड़ता है हमारा दही का। और फिर दही और छाछ में क्या डिफरेंस है, जो डाइटिशियंस हैं इंटरनेट पे तो आता है कि दही का ये भी फायदा है, ये भी फायदा है, ये फायदा है, और डाइटिशियन भी बताते हैं कि दोनों तीनों टाइम खाएं, लेकिन आयुर्वेद में रिकमेंडेशन है, मेरा तो बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं आयुर्वेद को अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ पिछले 25 सालों से, तो आयुर्वेद में आया है कि दही को शाम के टाइम यूज ना करें, सूरज छिपने के बाद दही बिल्कुल ना खाएं, अगर सूरज छिपने के बाद दही खाएंगे तब हमें मोटापे को बढ़ावा मिलेगा, फिर नींद ज्यादा आएगी, सुस्ती रहेगी शरीर में, भूख हमारी खत्म होगी और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल इम्यूनिटी हमारी कम होगी, हमारे चैनल्स रुक जाते हैं, हमारे स्रोतों को रोक देती है, पैनक्रियाज में इंसुलिन अच्छा नहीं बनेगा अगर हम सूरज छिपने के बाद दही खाएंगे, थायराइड हार्मोन्स में थायराइड हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से जितने भी हमारे जो पैनक्रियाज जो जूसेस हैं, जो इंटेस्टिन के जूस, वो पूरी मात्रा में नहीं बन पाते, इसलिए सूरज छिपने के बाद तो दही बिल्कुल ना लें, ये ध्यान रखें, और इसमें बरसाती मौसम में ना लें, क्योंकि हम ऐसा काम करें जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में दही का उपयोग करें तो अच्छा रहेगा, देखिए मिट्टी का बर्तन है या लकड़ी के बर्तन में भी दही जमा सकते हैं, ये ध्यान रख लें, इस चीज का पूरा फायदा उठाएं, लेकिन जितना उसके स्टील के बर्तनों से बचे, स्टील के बर्तनों में दही का उपयोग ना करें और मात्रा अपने शारीरिक क्षमता के हिसाब से खाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको दही से लाभ ही मिलेगा, क्योंकि मैं तो लाइफस्टाइल के बारे में बताते ही रहता हूं कि हम अगर भोजन को ध्यान रखें उसे बड़ी सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं। एक छोटी सी चीज,
जैसे दही है, दही एक दुधारू तलवार है, दही से हमें लाभ भी मिल सकता है लेकिन अगर हमें सही फायदा उसका सही तरीका नहीं पता होगा तो नुकसान भी होता है। तो इसलिए दुधारू तलवार को हम एक हथियार हमारे पास है तो उसका कितना फायदा उठाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बड़े सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं पिछले 15 दिन से, जैसे डेंगू का भी एक माहौल बना हुआ है, डेंगू की भी लहर चल रही है तो उसे और सही टूटता है अगर दही लेंगे ऐसे सीजन में बरसाती मौसम में, तो जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, सिर दर्द बढ़ जाता है, अपच की शिकायत बढ़ जाती है। तो इसलिए उसके बदले में बल्कि हम दूसरी तासीर की चीज़ों का उपयोग करें तो अच्छा, नहीं तो हमें इस तरह की परेशानियां आती हैं, इनसे बचना पड़ेगा। और मैं तो ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन हमेशा लाइव करता रहता हूं कि हम लाइफ स्टाइल से कैसे हम अनेक बीमारी से बच सकते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं और भारतीय संस्कृति में सबका विश्वास बने और सब लोग सकारात्मक बने।